अगर आप भी किसी के पास मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपने बहुत बार रीट्राई कर लिया है बट मैसेज सेंड नहीं हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए आइए जान लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि मेरे डेली के SMS खत्म तो नहीं हो गए हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हमें डेली 100 SMS मिलते हैं। अगर आपके 100 SMS कंप्लीट हो चुके होंगे तो वो मैसेज नहीं जाएगा। तो सबसे पहले SMS पैक जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपके पास SMS पैक है बट मैसेज अभी भी नहीं जा रहा है, तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मैसेज ऐप पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्लियर ओल्ड डाटा पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप उस बंदे के पास मैसेज भेज के देखना, मैसेज चला जाएगा। बट अगर बाई चांस अभी भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, तो फाइनल एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे कि वो मैसेज 101% चला जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई दूसरा मैसेज ऐप यूज करना होगा। या तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप ट्रू कॉलर का भी यूज कर सकते हैं। ट्रू कॉलर हर कोई बंदा यूज करता है, तो आपको अपना ट्रू कॉलर ऐप ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। जिस भी बंदे के पास आपको मैसेज सेंड करना है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, या फिर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में से भी उसका नंबर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने मैसेज करने का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको उसके पास जो भी मैसेज करना है, मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सिम सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी सिम में आपका SMS पैक पड़ा हुआ है, वो सिम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे SMS सेंड कर देना है, तो आपका SMS बिना किसी प्रॉब्लम के चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो तरीके मैंने आपको बताया है, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी।